हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैं सुमित पांडे आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कैसे हम जूम ऐप डाउनलोड करें। आजकल आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से जितनी भी हमारी मीटिंग हो गई या कॉलेज का सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, सब ऑनलाइन हो रहा है। तो उसके लिए एक जो ऐप है जूम ऐप, वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे हम जूम ऐप को डाउनलोड करें, कैसे इसको हम चलाएँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। सबको पता ही है प्ले स्टोर कहाँ पर है। प्ले स्टोर में जाके हमें सर्च में करना है जूम, ZOOM। जूम, तो जैसे ही आप जूम लिखेंगे ऊपर लिख के आ जाएगा क्लाउड, जूम क्लाउड मीटिंग्स। तो उसमें हमें क्लिक कर देना है। मैंने देखो क्लिक कर दिया। तो ये ऐप ऑलरेडी मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल है। तो जिस समय आप ये इंस्टॉल करोगे, जहाँ पर मेरा ओपन आपको दिखा होगा, ये ओपन लिख के आ रहा है, यहाँ पर आपका इंस्टॉल लिख के आएगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है। यो और ये ऐप अराउंड 28 MB का होगा। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके बाद आपको सीधा सबसे बाहर अपनी डिस्प्ले स्क्रीन में आ जाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका आइकन ढूंढना है। तो इसका आइकन देखो, जैसे आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिख रहा होगा, एक वाइट कलर का आउटर बॉर्डर और ब्लू कलर के बैकग्राउंड में एक वाइट कलर का कैमरा दिख रहा है, जिसमें नीचे जूम लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस ऐप में अंदर चले जाना है। तो जब इस ऐप को आप ओपन करोगे तो जो सबसे पहली आपकी डिस्प्ले दिखेगी, इसमें देखो सबसे ऊपर लिख के आ रहा होगा स्टार्ट अ मीटिंग। नीचे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक लिखा है ज्वाइन अ मीटिंग, साइन अप और तीसरा है साइन इन। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके टीचर ने एक मीटिंग जनरेट की होगी, जो आप या आपके टीचर या आपके बॉस ने, तो वो आपको आप उस मीटिंग की आईडी देंगे। तो जो वो आईडी देंगे आपको, चाहे मेल के थ्रू दे चाहे व्हाट्सएप में दे, वो आईडी 10 डिजिट की होगी। तो हमें क्या करना है, हम स्टूडेंट हैं अगर, तो हमें सीधा ज्वाइन अ मीटिंग जो यहाँ पर ब्लू बॉक्स में लिख के आ रहा है, हमें इसमें क्लिक कर देना है। तो जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिस्प्ले खुलकर आ गई है यहाँ पर सबसे पहली। तो देखो सबसे ऊपर लिखा है ज्वाइन अ मीटिंग और उसके नीचे लिखा है मीटिंग आईडी। तो जो ये मीटिंग आईडी है, ये आपको आपके टीचर ने दी होगी, तो वो 10 डिजिट की मीटिंग आईडी हमें यहाँ पर टाइप कर लेनी है। तो जैसे मेरे टीचर ने मेरे को दी है, मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, आप सब यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 डिजिट की मैंने मीटिंग अपनी कर ली। उसके नीचे देखो, नीचे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है अमित पांडे। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने पहली बार अगर ये ऐप खोला हो तो यहाँ पर आपके फ़ोन का नाम लिख कर आ रखा होगा, जो भी आपका मॉडल नंबर है फ़ोन का, तो आपको यहाँ पर डिलीट करके अपना नाम लिखना है। इससे क्या होगा कि जब टीचर से आप ज्वाइन होंगे तो टीचर को अपनी विंडो स्क्रीन में देख के पता चल जाएगा कि ये कौन सा स्टूडेंट है। तो उसमें टीचर को बार बार आपसे पूछना नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है और उसके नीचे जैसे जो ज्वाइन मीटिंग लिखा हुआ है आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अब देखो इसमें एक पॉपअप कर कर आया है जिसमें लिखा है प्लीज़ एंटर योर मीटिंग पासवर्ड। तो अगर ये ऑप्शन आपके टीचर पे डिपेंड करता है, अगर उसने उस मीटिंग में उस क्लास में पासवर्ड लगा रखा होगा तो वो टीचर आपको पासवर्ड भी भेजेगा। इससे क्या होगा कि जिस जिस बच्चों को इसका पासवर्ड पता होगा वो इस क्लास को अटेंड कर पाएगा। तो ऐसा हो भी सकता है कि ये आपके पास पॉपअप आए और यहाँ ना आए। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ जो मेरे टीचर ने दिया है। तो जैसे ही मैंने इसमें पासवर्ड डाला तो देखो ये प्रोसेसिंग कर रहा है और ये अभी मेरे फ़ोन में ये मुझको मेरा फेस दिखा रहा है। तो वैसे ही आप जब इस ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको अपना फेस दिखेगा। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर नीचे लिखा है ज्वाइन विथ वीडियो, मतलब हमें अलाउ करना है कि हाँ मैं इस मीटिंग में वीडियो के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसमें क्लिक कर दूंगा। चलो क्लिक कर दिया। अब ये थोड़ा सा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में टाइम ले रहा है क्योंकि ये नेट के थ्रू हो रहा है। तो इस टाइम में आपके टीचर के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी और वो टीचर जैसे उसको एक्सेप्ट कर और तभी आप उससे ज्वाइन होंगे। देखिए आपके टीचर ने एक्सेप्ट कर ली है और ये कनेक्टिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ज्यादा आपको थोड़ा सा वेट करना है। और ये देखिए, ये यहाँ पर हम ज्वाइन हो गए, मुझे अपने टीचर का ब्लैक बोर्ड क्लासरूम दिख रही है। ठीक है, अब चलिए इसके देखो, ये नीचे एक स्क्रीन दिख रही है छोटी सी। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन है तो मैं इसमें टच करूंगा, मेरी आ जाएगी। नीचे छोटे वाले में करूंगा, टीचर की आ जाएगी, जैसे हमारा नॉर्मल व्हाट्सअप में होता है। अब देखो जब भी आप इसकी स्क्रीन में कहीं भी टच करोगे तो आपके पास ऐसे ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। ऊपर आपके क्लास की आईडी आ गई, पासवर्ड आ रहा है, बगल में लीव करके रेड कलर में आ रहा है सबसे ऊपर देखो राइट कॉर्नर में। तो जब आपको ये मीटिंग छोड़नी हो तो आप लीव में क्लिक करोगे तो आपकी मीटिंग एंड छूट जाएगी। तो जैसे आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा नीचे बहुत सारे आपके आइकन बन के आ रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए नीचे लिखा है ज्वाइन ऑडियो।
तो इसमें क्या है, जब अभी आप कुछ बोलोगे ना तो आपकी वॉल्यूम आपके टीचर तक नहीं जाएगी, तो आपको अपनी वॉल्यूम अपने टीचर तक अगर पहुंचानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ज्वाइन ऑडियो में आप क्लिक करोगे जिसमें हेडफोन बना हुआ है नीचे, तो उसमें लिख के आएगा कॉल वाया ऑडियो डिवाइस। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन में क्लिक कर देंगे वैसे ही आपकी वॉइस जो है वो आपके टीचर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर आपको अपनी वॉइस म्यूट करनी है, जैसे आपके बैकग्राउंड में घर में कोई, आप घर पे बैठे हो तो ऑब्वियसली घर में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो क्लास में कोई डिस्टर्ब ना हो, तो आप सीधा यहाँ पर आके म्यूट में क्लिक कर देंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा, तो आपको टीचर की आवाज आएगी बट आपकी आवाज टीचर तक नहीं जाएगी जो भी नॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, स्टॉप वीडियो। अब देखो जैसे ये मेरी वीडियो दिख रही है, तो मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, सोचो एक एग्जाम्पल, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ना दिखाई दे टीचर को, कि ऐसा हो सकता है कि मेरे बैकग्राउंड में कोई आ रहा है जा रहा है तो इससे किसी को डिस्टर्ब हो रहा हो, तो मैं यहाँ पर स्टॉप वीडियो में क्लिक कर दूंगा। देखिए लाल कलर का हो गया स्टॉप वीडियो नीचे, तो अब टीचर की क्लास तो मुझे दिख रही है पर टीचर को मैं नहीं दिखूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब अगर मैं यहाँ से स्टॉप वीडियो हटा देता हूँ, देखो नीचे अब मैं अब दिखने लग रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो दिखने लग रही है। उसके बगल में दूसरा तीसरे नंबर का ऑप्शन है शेयर। देखो इसका इसमें क्या है, जैसे मैं शेयर में क्लिक करूंगा ये इतनी सारी ऑप्शन आ रही है, तो इसकी आप ये फोटो शेयर करने के लिए इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये पार्टिसिपेंट में आप क्लिक करोगे तो ये दिख जाएगा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट यहाँ पर क्लिक हो रखे हैं, और यहीं से आप अगर किसी तीसरे बच्चे को इनवाइट करना चाहो किसी को, यहाँ से इनवाइट का लिंक भेज सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मोर ऑप्शन है, तो ये बेसिक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें क्लास को या मीटिंग को लीव करना हो तो हम कैसे करेंगे, बाहर जाना हो तो मैं क्लिक करूंगा, तो लीव बटन में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं बाहर आने के लिए मेरे पास लीव मीटिंग का ऑप्शन आएगा, तो इस लीव मीटिंग में मैं जैसे ही करूंगा तो मैं मीटिंग से बाहर आ जाऊंगा। तो ऐसे आप मीटिंग से बाहर आ जाएंगे। तो आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया आपको इजीली समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।